वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर खादी अक्रॉस 40 कंट्रीज। पहला ऑप्शन है ए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, KVIC। थर्ड है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फोर्थ है APEDA। इसका राइट आंसर है बी। स्टेटमेंट में देख लेते हैं। KVIC हैज रिसेंटली सिक्योर्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन 3 कंट्रीज, भूटान, UAE एंड मैक्सिको। दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड खादी ग्लोबली। अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रीज KVIC's ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस आर पेंडिंग इन 40 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एविसेनिया मैरिना। पहली स्टेटमेंट क्या है, आल्सो रेफर्ड एज ग्रे मैंग्रोव। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फाउंड इन लक्षद्वीप मैंग्रोव, फॉर्मेशंस इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है द स्पीशीज कैन टॉलरेट हाई सैलिनिटी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 ओनली, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी 1 and 3। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, इससे थोड़ा क्लियरिंग आ जाती है। आल्सो रेफर्ड एज ग्रे मैंग्रोव। सेकंड क्या है, इट इज फाउंड इन ऑल मैंग्रोव फॉर्मेशंस इन इंडिया। यहाँ पे क्या दिया था, फाउंड इन लक्षद्वीप मैंग्रोव। यहाँ लिखा है इट्स फाउंड इन ऑल मैंग्रोव फॉर्मेशंस इन इंडिया। थर्ड क्या है, द स्पीशीज कैन टॉलरेट हाई सैलिनिटी बाय एक्सक्रीटिंग साल्ट्स थ्रू इट्स लीव्स। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। किसके रिगार्डिंग, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंस्पायर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा। सेकंड स्टेटमेंट है, पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पसेस। थर्ड स्टेटमेंट है, द बिल सेट्स अप ए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये सारी स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज। ये कल बहुत ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है, इन 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट वॉज पासड बाई पार्लियामेंट। कब पास किया गया था, 1967 में। सेकंड स्टेटमेंट है, द एक्ट वॉज अमेंडेड ओनली इन 2019। थर्ड स्टेटमेंट है, इन दिस एक्ट द ऑनर्स इज ऑन द अक्यूज्ड टू शो दैट द केस इज फॉल्स बट विदाउट इनवाइटिंग द कोर्ट टू इवेल्युएट द अवेलेबल एविडेंस। पहला
पहला ऑप्शन है, सॉरी थोड़ा गलत मेंशन हो गया, 1 in 2 ओनली। बी है 2 in 3 ओनली। सी है 1 in 3 ओनली। डी है ऑल ऑफ यू अबव। इसका राइट आंसर है 1 in 3। सेकंड क्या था? इट वाज एनेक्ट अमेंडेड ओनली इन 2019। ऐसा नहीं है, इट वाज अमेंडेड मेनी टाइम्स इन द पास्ट लाइक 1969, 1986, 2004, 2008, 2019। ये बहुत बार अमेंड हो चुका है ये एक्ट। एक बार स्टेटमेंट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहली स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग? पहली स्टेटमेंट है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। सेकंड स्टेटमेंट है, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बाइंडिंग। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर सेटिंग अप ए स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3। इसका राइट आंसर है ए, ओनली 1 and 2। 3 क्यों गलत है? इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या ये सच है? किसके रिलेटेड है ये? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इंडिया हैज बिकम द थर्ड इन द वर्ल्ड, नॉट फर्स्ट। इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर सेटिंग अप ए स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एंड ऑल्सो द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो। ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिम्फेटिक फिलेरियासिस। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वर्म्स क्लासिफाइड एज नेमेटोड्स ऑफ द फैमिली फिलेरियोइडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज द सेकंड मोस्ट डिसेबलिंग डिजीज आफ्टर मेंटल हेल्थ। थर्ड स्टेटमेंट है, आवर 40% ऑफ द वर्ल्ड वाइड केसेस आर फाउंड इन इंडिया। किसके रिलेटेड है? लिम्फेटिक फिलेरियासिस। क्या ये सच है कि मतलब वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा केसेस इंडिया में पाए गए? आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर है जी हाँ, डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब एक बार स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, तीनों स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग लिम्फेटिक फिलेरियासिस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HIV? पहली स्टेटमेंट क्या है? HIV इज ए वायरस दैट अटैक्स द बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ लेफ्ट थ्रेट इट कैन लीड टू एड्स अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। थर्ड स्टेटमेंट है, नेको इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल एड्स रिस्पॉन्स इन इंडिया। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ओनली 1, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुपरनोवा। किसके अबाउट है? सुपरनोवा। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द नेम गिवन टू द हैवी एक्सप्लोजन ऑफ ए मैसिव स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैन एमिट मोर एनर्जी इन ए फ्यू सेकेंड्स देन आवर सन
will radiate in its lifetime of billions of years. Third statement hai, a supernova happens where there is a collision between two stars. Kuch samajh aa raha hai? A supernova happens when where there is a collision between two stars. अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है. ए वन ओनली, बी वन एंड थ्री ओनली, सी वन एंड टू ओनली, डी टू एंड थ्री ओनली. इसकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यहां थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. ए सुपरनोवा हैपेंस वेयर देयर इज ए चेंज इन द कोर और सेंटर ऑफ ए स्टार. कब होता है सुपरनोवा? सुपरनोवा हैपेंस वेयर देयर इज ए चेंज इन द कोर और सेंटर ऑफ ए स्टार, नॉट बिटवीन टू स्टार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जेंड पांडा? जेंड पांडा के रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है, दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना. सेकेंड है, इट इज एक्चुअली ए मेंबर ऑफ द बियर फैमिली. दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों सही हैं या दोनों में से कौन सी एक सही है? पहला ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव. जी हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है. अब देखते हैं, दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये क्यों गलत है? डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. दे आर फाउंड लिविंग इन द वाइल्ड इन ए स्मॉल एरिया इन साउदर्न चाइना अलॉन्ग द तिब्बतन प्लाचू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? पहली स्टेटमेंट है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई एवरी ईयर. सेकेंड स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द day is to increase the awareness of people towards the worldwide population issues. Third statement hai, global population reached the 7th billion mark in 2018. Kya dekha, 7th billion mark in 2018. Option dekh lete hain, A only 1, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, डी ऑल ऑफ द अबोव. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट. जी हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड ये तो सबको पता है कि 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है. जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इश्यूज. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है. पहली और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, थर्ड रॉन्ग है. अब देख लेते हैं थर्ड क्यों रॉन्ग है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड 7 बिलियन मार्क इन 2018. यहाँ पे क्या दिया, इन 2011 द ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड द 7 बिलियन मार्क एंड टुडे इट स्टैंड्स एट अबाउट 7.7 बिलियन. 7 बिलियन मार्क तो किया गया, मगर कब? 2011 में. आज कितनी है? 7.7 बिलियन. सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.